तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कृष्णा इसके चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीवो फोन के बारे में। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो फोन में आप पबजी को कैसे हाइड कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे कमेंट से मेरे पास आ रही थी कि पबजी को कैसे हाइड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा कि आप पबजी को कैसे हाइड कर सकते हो और हाइड करने के बाद कैसे यूज कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम। तो यार आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, तो वीडियो को यार स्किप नहीं करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर पाए। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेरा है पबजी यहाँ पे हैगा, ठीक है। और मैंने डाउनलोड भी करके रखा हुआ है और आप देख सकते हैं काफी अच्छे से वर्किंग करेगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको इसे हाइड करके दिखाने वाला हूँ जिससे कि आप लोगों को हाइड कर सकें। तो ठीक है, मैं अब मुझे करना क्या है कि आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां से आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो डाउनलोड करने के बाद में अब आपको करना क्या है कि इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको सेटिंग्स में जाना है, इंस्टॉल करने के बाद डन कर देना है। उसके बाद सेटिंग्स में जाना है फोन की, जो आपकी खुद की फोन की सेटिंग्स है, ठीक है। और इसके फोन की सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे वीवो के फोन नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक मोर सेटिंग नाम से ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। मोर सेटिंग्स या चैनल सेटिंग, ठीक है, यही दो नामों से आता है जाता है, ठीक है। तो आपको मोर सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा परमिशन मैनेजमेंट, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ऑटो स्टार्ट, फ्लोटिंग विंडो, डेस्कटॉप, शॉर्टकट, डिस्प्ले ऑन, लॉग स्क्रीन। तो बट आपको इन्हें नहीं, सबसे लास्ट में जाना है डिफॉल्ट ऑफ डिफॉल्ट एफ सेटिंग्स, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। आपको सबसे सॉरी सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन है होम स्क्रीन, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। सिंपल सा आप इसको जो राइट क्लिक है और इस पर एक बार क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो फोन है वो ऑटोमेटिक होम स्क्रीन पे आ जाएगा और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि अपनी जो होम स्क्रीन से अगर अपना आप ऑटोमेटिक अच्छे से सेटअप हुई है तो ठीक है, वरना आप यहाँ पे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे अपना डायलर आप ले सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से लगा ले। फिलहाल आप जो भी लगाना चाहे वो बाद में लगा सकते हैं, अपने हिसाब से यहाँ से उठा के रख सकते हैं, ठीक है। और जो आपकी ऑल एप्लीकेशन से वो आपको यहाँ पे एप ड्राइवर के रूप में मिल जाएंगे, देख सकते हैं कि जो आपका फोन है वहां पे आपको एक एप ड्राइवर भी मिल जाएगा, देख सकते हैं, जो कि काफी अच्छे से यूज करेगा। जैसे सैमसंग फोन में रहता है वैसे आपको एक एप ड्राइवर मिल जाएगा, जिससे कि आपको काफी अच्छा फील होने वाला और काफी ज्यादा आप सभी को पसंद है, क्योंकि यहाँ पे एक एप ड्राइवर आपको मिल जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा लुक आपके फोन को देगा, ठीक है। इसके बाद गाइज आप पबजी को कैसे ऐड करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो पबजी है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। तो फिलहाल आपको जाना है यहाँ पे थ्री डॉट पे और उसके बाद में सॉरी यहाँ थ्री डॉट पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे परफॉर्म यहाँ जाना है प्रेफरेंस पे और यहाँ पे आप देखेंगे हाइड एप्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको हाइड एप्स का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सारे एप्लीकेशन शो हो जाएंगे। तो आपको मान लीजिए हाइड करना है पबजी, तो आपको करना क्या कि पबजी पे एक बार क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लैक से ब्लू हो जाएगा। और एक चीज मैं और हाइड कर देता हूँ, व्हाट्सएप। तो ये मैंने पबजी और व्हाट्सएप दोनों हाइड कर दिए हैं। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बैक बटन दबाना है और चले जाना है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका जो पबजी है वो कहीं भी नजर नहीं आने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं कहीं भी आपका पबजी नजर नहीं आएगा, आपको कहीं भी पबजी नजर नहीं आने वाला है और हाइड हो चुका है, साथ ही में व्हाट्सएप भी हाइड हो गया। अब मान लीजिए आपने हाइड तो कर लिया, अब आप इसे यूज कैसे करेंगे, उसके लिए गाइस आपको फिर से यहाँ पे जाना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, इस यहाँ जाना है और हाइड एप्स पे जाना है। और यहाँ आप देखेंगे पबजी आपका फर्स्ट नंबर पर आएगा, जो एप्लीकेशन आपने हाइड किए वो फर्स्ट में ही आएंगे। तो उन्हें जो ब्लू थी उन्हें ब्लैक कर देना, ठीक है, कट, और ये ब्लू हो गई। उसके बाद आप बैक करेंगे, जो आपने हाइड किया है वो आपका यहाँ पे फिर से आ जाएगा अपनी जगह पर, सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो पबजी है वो आ चुका है और मैं यहाँ पे यूज भी कर सकता हूँ और हाइड भी हो जाता है, ठीक है। और व्हाट्सएप वगैरह सारी चीजें आ गई हैं। तो इस तरीके से जो है आपके किसी भी एप्लीकेशन को आप हाइड कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम। और आपका जो पबजी है वो आप देख सकते हैं अपनी जगह पर अच्छे से सेटअप हो गया है। और बाकी इनको अगर आप ऐसे रखना चाहते हो तो ठीक है, ग्रेड वगैरह हो, वरना आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो यहाँ से जाके और होम स्क्रीन पे जाके जितना आप रखना चाहते हो 5.5, 5.6 इस टाइप से जो भी रखना चाहो आप रख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे 6 कर दिया तो काफी अच्छा है। तो इस तरीके से आप जो है
अपने वीवो के किसी भी डिवाइस में पबजी को हाइड कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम, क्योंकि काफी सारे फोन ऐसे हैं जिनमें जो है एंड्रॉइड पाए नहीं आया है, जिसके कारण उन्हें हाइड एप्स का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप अपनी पबजी हो या फिर अदरवाइज कोई भी एप्लीकेशन से उसे हाइड कर सकते हो बहुत ही आसान से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।